ऊंची पहाड़ियों में हिंद के वीरों के युद्ध कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। औली में भारत के ये जवान इन दिनों अमेरिकी सैनियों को ये हुनर सिखा रहे हैं। करीब 15 दिन तक संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की काबिलियत को बारीकी से परख रही हैं। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों के सैनिक बेहतर तालमेल के साथ दुश्मन का मुकाबला करने की सीख ले रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों के बीच हिंद के वीरों का दम, अमेरिकी सैनिकों के साथ भारत के जाबाजों का पराक्रम। उत्तराखंड के औली में ये युद्धाभ्यास ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना के युद्ध कौशल का प्रमाण है। हिंदुस्तान के जवान यहाँ अमेरिकी सैनिकों को पहाड़ों में होने वाले युद्ध के हुनर सिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मिलने वाली चुनौतियों के खिलाफ अपनी तैयारी दुरुस्त रखने के लिए हिंदुस्तान ने औली में पहला ट्रेनिंग नोड तैयार किया है। साढ़े 9000 फीट पर ये पहला स्पेशल ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, जिसका फोकस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है। यहाँ पर भारतीय और यूएस आर्मी के 350 ट्रूप्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जहां जहां ड्रिल्स चल रही हैं वो इलाके, वो पहाड़ियां चोटियां 12000 फीट तक के हैं। ये जगह लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से बेहद नजदीक है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। भारत और अमेरिका के इस संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन बेचैन हो रहा होगा। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा होगा। हिंद के वीरों की ये हुंकार देश के दुश्मनों के हौसले पस्त कर रही होगी। औली में जिस तरह से ये युद्धाभ्यास चल रहा है, वहां से एलएसी महज 100 किलोमीटर दूर है। ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये पूरा इलाका सर्दियों में बर्फ की चादर से ढक जाता है। भारतीय सैनिकों को शून्य से नीचे के तापमान और बर्फबारी के बीच देश की हिफाजत के लिए डटे रहने का लंबा अनुभव है। खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियां भी हिंद के जवानों का जोश कम नहीं कर पाती, और अपने इसी तजुर्बे को भारतीय सेना विदेशी मित्र सेनाओं के साथ साझा कर रही है। भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का ये 18वां संस्करण है। दोनों देश बारी बारी इस युद्धाभ्यास की मेजबानी करते हैं। करीब 15 दिनों का सफर तय करने के बाद ये युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2 दिसंबर को इस युद्धाभ्यास का समापन हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिला। इसके साथ ही सैनिकों के लिए युद्ध कौशल की बारीकियां सीखने का भी ये बेहतरीन मौका था। इस युद्धाभ्यास में भारत ने अपनी हाई अल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीतियों को भी अमेरिका के साथ साझा किया। अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां 12 महीने बर्फ रहती है। ऐसे में भारतीय सेना भी अमेरिकी सेना की हाई अल्टीट्यूड स्ट्रेटजी से रूबरू हुई। भारतीय सेना भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से तैयार रखती है। संयुक्त युद्धाभ्यास की मदद से सेना अपने युद्ध कौशल को लगातार धारदार बनाए रखती है। औली में अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास इसी तैयारी का प्रमाण है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच हो रही एक्सरसाइज में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अपनी सैन्य तैयारियों को परखने में जुट गए हैं। एक दूसरे के साथ अपने तमाम जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसको साझा कर रहे हैं। खासकर भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशन का खासा एक्सपीरियंस भी है, जिसे वो अमेरिकी साथियों के साथ बांट रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने कई इंटीग्रेटेड ड्रिल्स को अंजाम दिया और मॉडर्न वॉरफेयर के गुर एक दूसरे को सिखाए हैं। देखिए उसकी तस्वीरें।
कभी भारत और अमेरिकी सैनिकों ने होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया तो कभी दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसा कर घेरा तो कभी अनआर्म्ड कॉम्बेट में दुश्मन को किया चारों खाने चित। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच चल रहे युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों के सैनिक मॉडर्न वॉरफेयर की हर तकनीक को आजमा रहे हैं। वॉर गेम, सर्च एंड रेस्क्यू, अनआर्म्ड कॉम्बेट समेत तमाम तरह की मिलिट्री ड्रिल में एक दूसरे को गुर सिखा रहे हैं। भारत और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की गई और फिर दोनों देशों के सैनिकों ने कई तरह की ट्रेनिंग साथ की। करीब 12 दिनों के एक्सरसाइज के बाद मंगलवार रात से इसका वैलिडेशन शुरू हुआ है जो 2 दिनों तक चलेगा। किसी भी एक्सरसाइज में वैलिडेशन का मतलब होता है एक्सरसाइज में जो ट्रेनिंग ली, जो प्लानिंग की, उसे परखना। युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की। ये किल बॉक्स ड्रिल की तस्वीरें हैं। इस ड्रिल में उग्रवादियों ने अगर कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे बंधकों को छुड़ाना है। भारत और अमेरिकी सैनिकों की इंटीग्रेटेड टीम ने मिलकर ये ड्रिल किया। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई हुई है और एक घर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनको बंदी बना लिया गया है और दोनों तरफ के ट्रूप्स, चाहे यूएस ट्रूप्स हों, अमेरिकन ट्रूप्स हों, एक ही टीम में एक साथ यहां पर जो है इस ड्रिल को कर रहे हैं। किल बॉक्स ड्रिल, हॉस्टेज क्राइसिस, घर के अंदर लोगों को बंदी बना लिया गया है। यूएस और भारतीय फौजी एक साथ मिलकर इस ड्रिल को कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की अपनी स्किल का भी प्रदर्शन किया। सेना ने दिखाया कि कैसे वो घर में छिपे आतंकियों पर काबू पाती है और इस ऑपरेशन में किस तरह असॉल्ट डॉग उनका अहम हथियार साबित होते हैं और इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की मदद के लिए स्थानीय लोग अगर पत्थरबाजी पर उतर आते हैं तो कैसे सेना ऐसे हालात का मुकाबला करती है, इसका अभ्यास भी सेना ने अमेरिकी सैनिकों के साथ किया। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जिस तरह हिंसक झड़प हुई थी वैसे अनआर्म्ड कॉम्बेट यानी गुत्थम गुत्था लड़ाई की नौबत अगर फिर आती है तो सैनिक दुश्मन का किस तरह मुकाबला करेंगे, किस तरह उन्हें पटखनी देंगे। हथियारों के बिना दुश्मन को धराशायी करने की इस तकनीक में अपनी महारत का भी प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण एंटी ड्रोन चील है। भारतीय सेना अब जानवरों और खास ट्रेंड बर्ड्स को एंटी ड्रोन तकनीक के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसी ही एक काइट यानी चील ने मंगलवार को अमेरिकी सेना की मौजूदगी में एक ड्रोन को आसमान में मार गिराया। पहली बार भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास में इस तकनीक का प्रदर्शन किया। चील जो पक्षी है उसकी मदद से ड्रोन्स को हिट करने का जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी भी चल रहा है और इसका पहला अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो कि औली में चल रही है भारतीय और यूएस आर्मी के बीच वहां पे किया गया है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के अलग अलग प्रकार के तरीके ढूंढने पड़ेंगे ड्रोन्स को गिराने के लिए। भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की यूएन चार्टर के तहत एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिकी सेना के साथ करीब 300 सैनिकों का दल इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जिसमें एक अहम हथियार है M4।
A1 कार्बाइन राइफल, जिसका अमेरिकी सैनिक दुश्मनों के खिलाफ जंग में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खास स्नाइपर है जो कि बहुत अहम होती है वॉरफेयर में, और ये इनकी राइफल है। कैन आई पिक दिस अप? ये इनकी राइफल है जो ये इस्तेमाल करते हैं इनके ट्रूप्स। What exactly is this? It's about seven pounds. It weighs, yeah, pounds, seven. Yeah. So this is what rifle is this? This is the M4A1. Sorry? The M4A1. M4A1. M4 carbine rifle का वजन काफी कम होता है। इसके बड़ी खासियत है customization। इसमें कई सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। दूर तक देखने के लिए स्कोप का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके मारक क्षमता करीब 600 मीटर होती है। साथ ही ये 950 गोलियां लगातार दाग सकती है। हाई अल्टीट्यूड एरिया में दुश्मनों से कैसे निपटना है, इसके अभ्यास के साथ साथ सेना ने प्राकृतिक आपदाओं में स्थानीय लोगों को बचाकर कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना है, कैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसकी भी एक्सरसाइज की, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया में प्राकृतिक आपदा का खतरा काफी बड़ा होता है। हमारी एक्सरसाइज में HADR एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है इस साल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर कई किस्म की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसे समय में जो लोग ऐसी दूर दराज की जगहों में फंसे होते हैं, उनको वहां से निकालना और निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड इलाके में भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस में महारत हासिल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी लंबा अनुभव है। जाहिर है अमेरिकी सेना के साथ ऐसे सैन्य अभ्यास के जरिए भारत अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति को भी और पुख्ता कर रहा है। अभिषेक भल्ला, ऑली, गुड न्यूज टुडे। आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे 3 दिन के आपदा राहत अभ्यास में वायुसेना के कई हवाई लड़ाकों ने भी हिस्सा लिया। समन्वय 2022 नाम के इस अभ्यास में भारत के वायुवीरों ने 1000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सभी को हैरान कर दिया। 3 दिन तक चले इस अभ्यास में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। इस सैन्य अभ्यास में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के डेलीगेट्स भी शामिल हुए। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर ने अपनी ताकत दिखाई। किसी आपात स्थिति में मुसीबत में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से निकालने का अभ्यास किया गया और वायुसेना ने इस एक्सरसाइज के जरिए जता दिया कि वो सिर्फ देश को दुश्मनों से ही महसूस नहीं रखती, वो आपदा में भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार है। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA के 143वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आज पुणे के खड़कवासला में की गई। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल R. हरि कुमार मौजूद रहे। NDA की पासिंग आउट परेड कैडेट्स की 3 साल की लंबी और कठिन ट्रेनिंग के बाद होती है। इसके बाद कैडेट्स को कमीशन से पहले 1 साल और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। The President's colors were presented to the National Defence. That's in rowing and equitation. Now, a word about drill. Drill inculcates discipline, which is the very best. डिफेंस की खबरों के बाद बात करते हैं कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में हनुवंतिया टापू पर खुशियों का मेला लगा है। वाटर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए जगह किसी जन्नत से कम नहीं। हर साल मध्य प्रदेश का टूरिज्म विभाग खंडवा में मौजूद हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का आयोजन करता है। यहां लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और पारंपरिक खूबसूरती का एहसास होता है। सैलानियों से जगमग हनुवंतिया टापू। 2 महीने तक चलेगा जल महोत्सव। मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के किनारे पर मौजूद हनुवंतिया टापू अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है।
नीला आसमान, छक-छक साफ पानी और पानी में दिखता बादलों का खूबसूरत डेरा। हरियाली समेटे ये जगह शहरों से दूर सुकून का एहसास दिलाती है। समंदर सा अनुभव दिलाने वाली इस जगह पर बड़े ही धूमधाम से हनुवंतिया जल महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह पहली पसंद बनता जा रहा है। हर साल करीब करीब इसी वक्त यहाँ जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ की खूबसूरती और वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुकून के सागर के किनारे पूरा शहर ही बसा दिया गया है। खाने से लेकर हर सुख सुविधा की तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं। हनुवंतिया की शाम भी बड़ी आकर्षक होती है। यहाँ का सूर्यास्त बेहद मनमोहक है। इस नजारे को देखिए, मानो समंदर की लहरों के बीच सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। प्रकृति के साथ संस्कृति और परम्परा का अनोखा संगम भी यहाँ सैलानियों को देखने को मिलेगा। नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर हनुवंतिया टापू मौजूद है। यहाँ पर फ्लाइंग इन्फ्लेबल बोट एक्टिविटी के साथ स्कूबा डाइविंग, बोरियमल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग, चिप साइकिल, पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, हॉट एयर बलूनिंग, मोटर बोट राइडिंग जैसे एडवेंचर का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। हनुवंतिया टापू पर सैलानियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए टेंट सिटी का इंतजाम किया गया है ताकि जो पर्यटक यहां आए वो प्रकृति के बीच रहने का आनंद भी उठा सके। यही नहीं, इस बार टूरिस्ट सिटी में प्लास्टिक पर भी बैन लगाया गया है, यानी सिर्फ आप यहां पानी की बोतल के अलावा कुछ भी प्लास्टिक की दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते। यही नहीं, गीला सूखा कचरा अलग अलग जमा करने की नीति के अलावा कचरा पेटियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करने का काम भी तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश के गोवा के रूप में मशहूर हनुवंतिया के जल महोत्सव का आकर्षण देश ही नहीं विदेशों तक है, इसलिए हर साल यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई के धारावी का नाम आपने कई बार सुना होगा, अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। धारावी को एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में गिना जाता है। अब अडानी की कंपनी धारावी का कायाकल्प करेगी। धारावी का रंग रूप बदलने के बाद यहां की झुग्गियों की जगह साफ सुथरे मकान बन जाएंगे। धारावी में आने वाले वक्त में हर तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को मिलने जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट 17 सालों में पूरा होगा। माया नगरी मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। इसी मुंबई में है एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी। वैसे धारावी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अगर आसान भाषा में समझे तो इससे हर कोई वाकिफ है। यहाँ तक कि धारावी को केंद्र बिंदु में रखकर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज और टीवी सीरियल बनाई गई है। दरअसल धारावी में माया नगरी के अलग ही भूगोल और वर्तमान से रूबरू होना पड़ता है। यहाँ की तंगलियों और झुग्गियों में एक अलग ही हकीकत से दोचार होना पड़ता है, एक अलग तरह की दुनिया से सामना होता है। लेकिन अब धारावी का टाइम आ गया है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची और गंदी बस्तियों में शुमार धारावी की शक्लो सूरत बदलने वाली है। धारावी सजने और संवरने वाली है। धारावी का कायाकल्प होने जा रहा है। धारावी में रहने वाले करीब 60,000 परिवारों की किस्मत बदलने वाली है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी की कंपनी को इसके रीडेवलपमेंट का ठेका मिला है।
5,069 करोड़ रुपए के जरिए 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैले धारावी को विकसित किया जाएगा। इससे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को न केवल बड़ा फायदा होगा बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट के तहत धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले योग्य लोगों को मुफ्त में घर मिलेगा। 405 वर्ग फुट एरिया के ये घर हर जरूरी सुविधाओं से लैस होगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 56,000 लोगों को बसाया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए कमिटमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पहले फेज का काम 7 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 17 साल का समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब समझते हैं कि क्या है धारावी के पुनर्विकास की योजना और इस योजना का पूरा होने के बाद कैसा नजर आएगा एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया। धारावी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, ये तो आप जानते हैं, जो अगले 7 सालों में अब बदल सकता है। नए सिरे से धारावी को विकसित किया जाएगा। हालांकि इसके पुनर्विकास की बातें 1999 से ही हो रही है। जी हाँ, देखिए धारावी न केवल सबसे बड़ा स्लम एरिया है बल्कि सबसे ज्यादा गंदगी यहीं पर होती है। गंदी बस्तियों में से भी इसकी गिनती एक में की जाती है। लेकिन अब धारावी नए रूप में दिखाई देगा। उसका हुलिया उसी तरह बदला जाएगा जैसा कभी हांगकांग का ताईहैंग इलाका बदला गया था। और अभी धारावी 58,000 परिवारों का ठिकाना है। आबादी का पक्का आंकड़ा तो अभी नहीं मौजूद लेकिन माना जाता है कि यहाँ 6 से 7 लाख लोग रहते हैं और रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के पूरा होने पर यहाँ 58,000 परिवारों को नया आशियाना मिलेगा। देखिए अभी धारावी के भीतर 12,000 से ज्यादा कमर्शियल दुकानें हैं जिन पर धारावी पूरी तरह से निर्भर करता है। नए धारावी में सब कुछ व्यवस्थित तो होगा। यहाँ जो नई इमारतें बनेंगी वो 4 मंजिला होंगी। और अभी धारावी की जमीन सरकार की है जबकि उस पर लोगों का कब्जा है। जब धारावी नई शक्ल लेगा तो यहाँ स्लम की जगह साफ सुथरे फ्लैट्स नजर आएंगे। जी हाँ, देखिए धारावी को स्लम का तमगा आजादी के बाद से मिल गया था लेकिन अब पुनर्विकास के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदली सी हम सबको दिखाई देगी। जी हाँ, और धारावी की गिनती भले ही इस वक्त दुनिया के बड़े स्लम्स के तौर पे की जाती हो लेकिन ये जगह छोटे छोटे उद्योगों का भी गढ़ बन चुकी है। नए धारावी से उन छोटे छोटे उद्योगों को नई सांस मिल सकती है। तो बता दें आपको कि धारावी का पुनर्विकास अब क्यों जरूरी है और उस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई के हालात कैसे बदलेंगे। दरअसल मुंबई की करीब 48% आबादी आज भी स्लम एरिया में ही रहती है। देखिए मुंबई की 24% जमीन पर आज भी घनी बस्तियां मौजूद हैं जो भारी आबादी अपनी जिंदगी यहीं पर काट रही हैं। और 2004 में धारावी के रीडेवलपमेंट में जब प्लान बना था जब इसकी लागत 4,000 करोड़ आंकी गई थी, आज देखिए रीडेवलपमेंट का अनुमानित खर्च जो है वो करीब 28,000 करोड़ आंका जा रहा है। और अनुमान है कि पुनर्विकास योजना से धारावी के आसपास जमीनें अभी से महंगी होनी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में धारावी में प्रॉपर्टी के रेट 30 से 40% तक बढ़ने के आसार भी देखे जा सकते हैं।